दोस्तों दबंग ये मूवी अपने सल्लू भाई के कैरियर का वन ऑफ द मेन टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी को किस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था? जरा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, देखते हैं कि कितने लोग राइट आंसर देते हैं। आंसर कमेंट करने के बाद अब राइट आंसर सुन लो। इस मूवी को श्री अष्ट विनायक साइन विजन लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया था, जो कि भारत का 10वां सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। और क्या आपको इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर का नाम पता है? अगर नहीं पता तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे बड़े मूवी प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में बताएंगे और साथ ही इनके ओनर्स के बारे में भी बताएंगे और साथ ही इन प्रोडक्शन हाउसेस द्वारा प्रोड्यूस की गई सुपरहिट मूवीज के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, श्री अष्ट विनायक साइन लिमिटेड। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 2003 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर है दिलन मेहता। और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था फंटूश। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की, तो इनके नाम है साल 2005 में आई मैंने प्यार क्यों किया, इसने 36 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2006 में आई गोलमाल फन अनलिमिटेड, जिसने 103 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। और दबंग, जो कि साल 2010 में आई थी, जिसने 140 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये तीनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज हैं। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है, जिनके नाम है जब वी मेट, रॉक स्टार, भागम भाग, बोल बच्चन और खट्टा मीठा। नंबर 9, राजश्री प्रोडक्शंस। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 1947 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर हैं सूरज भरजातिया। और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था आरती। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की, तो इनके नाम है साल 1994 में आई हम आपके हैं कार, जिसने 128 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये एक ही मूवी इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवी है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है, जिनके नाम है प्रेम रतन धन पायो, विवाह, हम साथ साथ हैं और मैं प्रेम की दीवानी हूँ। नंबर 8, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 2005 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर है अनिल अंबानी। और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था गुरु। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की, तो इनके नाम है साल 2008 में आई गजनी, जिसने 232 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2009 में आई थ्री इडियट्स, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। और इनकी तीसरी हिट मूवी का नाम था बॉडीगार्ड, जो कि साल 2010 में आई थी, जिसने 140 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये तीनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है, जिनके नाम है भाग मिल्खा भाग, सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी। नंबर 7, आमिर खान प्रोडक्शंस। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 2001 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर है आमिर खान। और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था लगान। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की, तो इनके नाम है साल 2007 में आई तारे जमीन पर, जिसने 90 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार, जिसने 860 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये दोनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है, इनके नाम है तलाश, धोबी घाट और जाने तू या जाने ना। नंबर 6, बालाजी मोशन पिक्चर्स। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 2001 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस की ओनर है एकता कपूर। और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की, तो इनके नाम है साल 2007 में आई शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसने 45 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2010 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसने 90 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। और एक विलन, जो कि साल 2014 में आई थी, जिसने 140 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये तीनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज हैं। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है, जिनके नाम है रागिनी MMS, द डर्टी पिक्चर, पगलेट और एक विलन रिटर्न्स। नंबर 5, एरोस इंटरनेशनल। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 1973 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर है अर्जुन लल्ला। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की, तो इनके नाम है साल 2016 में आई बाजीराव मस्तानी, जिसने 360 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2015 में आई बजरंगी भाईजान, जिसने 970 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये दोनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज में से एक है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है, जिनके नाम है तनु वेड्स मनु,
वेलकम बैक और बदलापुर। नंबर 4 यूटीवी मोशन पिक्चर्स। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 2004 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर है रॉनी स्क्रू वाला और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था लक्ष्य। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की तो इनके नाम है साल 2004 में आई स्वदेश जिसने 40 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2013 में आई चेन्नई एक्सप्रेस जिसने 430 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और दंगल जो कि साल 2016 में आई थी जिसने 717 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये तीनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज में से एक है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है जिनके नाम है बागी, ये जवानी है दीवानी, बर्फी और राउडी राठौर। नंबर 3 रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 2002 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर है शाहरुख खान और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की तो इनके नाम है साल 2009 में आई माय नेम इज खान जिसने 230 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2007 में आई ओम शांति ओम जिसने 108 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और रईस जो कि साल 2017 में आई थी जिसने 140 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये तीनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज में से एक है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है जिनके नाम है दिलवाले, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और रावण। नंबर 2 धर्मा प्रोडक्शंस। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 1976 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर है करण जौहर और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था दोस्ताना। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की तो इनके नाम है साल 2001 में आई कभी खुशी कभी गम जिसने 40 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2012 में आई अग्निपथ जिसने 103 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और ए दिल है मुश्किल जो कि साल 2016 में आई थी जिसने 240 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये तीनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज में से एक है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है जिनके नाम है केसरी, ब्रह्मास्त्र, गुड न्यूज और कल हो ना हो। नंबर 1 यशराज फिल्म्स। दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत साल 1970 में हुई थी और इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर हैं आदित्य चोपड़ा और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी का नाम था काला पत्थर। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस की सुपरहिट मूवीज की तो इनके नाम है साल 2012 में आई एक था टाइगर जिसने 340 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद साल 2012 में आई जब तक है जा जिसने 160 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और धूम 3 जो कि साल 2013 में आई थी जिसने 560 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये तीनों मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवीज में से एक है। इसके अलावा भी इस प्रोडक्शन हाउस ने हमें कई हिट मूवीज दी है जिनके नाम है बैंड बाजा बारात, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और ब्लैक। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और इनकी सुपरहिट मूवीज। अगर आप इन प्रोडक्शन हाउसेस की कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे इनकी शुरुआत हुई तो अपने फेवरेट प्रोडक्शन हाउस का नाम नीचे कमेंट कर दो।